बिहार में जब से नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़ा है तब से आरजेडी और जेडीयू में तकरार जारी है। अब डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर भी जेडीयू और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। जहां सत्तारूढ़ जेडीयू ये पद विपक्ष को देने को तैयार नहीं तो वहीं तेजस्वी ने भी ठान लिया है कि वो इस बार हार नहीं मानेंगे। इस पद को लेकर वो सीएम नीतीश कुमार से मिलने भी पहुंचे। बिहार में नीतीश कुमार ने महागठबंधन से दोस्ती तोड़कर पहले आरजेडी से सत्ता छीनी, फिर लालू के दोनों बेटों की कुर्सी भी छीन ली। जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप को स्वास्थ्य मंत्री के पद से हाथ धोना पड़ा था, तो वहीं छोटे बेटे तेजस्वी यादव से डिप्टी सीएम का पद भी चला गया था। लेकिन अब आरजेडी डिप्टी स्पीकर का पद नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पार्टी लगातार सरकार पर विपक्ष को ये पद देने का दबाव बना रही है। इसी मांग को लेकर विपक्ष के तमाम नेता पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, जहां तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार से डिप्टी स्पीकर का रिक्त पद विपक्ष को देने की मांग की। उन्होंने नीतीश कुमार को बिहार विधानसभा की परंपरा की दुहाई भी दी। तेजस्वी ने कहा कि अभी तक यह पद हमेशा विपक्ष के पास ही रहा है, लेकिन वर्तमान में एक साल बीतने के बाद भी ये पद अभी तक खाली पड़ा है। इस पद पर विपक्ष का हक है, इसलिए उन्हें विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ये पद देना चाहिए। आपको बता दें कि सीएम नीतीश कुमार के साथ हुई इस बैठक में तेजस्वी यादव के अलावा कांग्रेस और वाम दलों के भी सदस्य शामिल थे। विपक्ष के इस दबाव के बाद अब देखना होगा कि नीतीश तेजस्वी के आगे झुकते हैं या फिर नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।